आज जो मुझे टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग वी सेंटर सर्वर पार्ट 2। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने वी सेंटर सर्वर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो वी सेंटर डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ईच वी सेंटर सर्वर इंस्टेंस मस्ट हैव अ कनेक्शन टू अ डेटाबेस टू ऑर्गेनाइज ऑल द कॉन्फिगरेशन डेटा। मतलब कि ये कि आपकी जो आपका जो हर वी सेंटर सर्वर है उसके साथ क्या होनी चाहिए, एक डेटाबेस क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो वी सेंटर सर्वर है वो अपना डेटा किसके अंदर स्टोर करता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो आपका जो वी सेंटर सर्वर है कौन कौन सी डेटाबेस को सपोर्ट करता है वो हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2005 सर्विस पैक 3 रिक्वायर्ड, SP4 रिकमेंडेड। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 एंड 2008 R2, ओरेकल 10G R2 एंड 11G, IBM DB2 9.5 एंड 9.7। इन सभी डेटाबेसेस को क्या करता है आपका वी सेंटर, क्या करता है, सपोर्ट करता है। जब भी आप वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करोगे तब वो आपसे पूछ लेगा कि आपके पास पहले से कोई डेटाबेस है या फिर मैं अपनी खुद की डेटाबेस क्रिएट करूं। ठीक है, तो यदि आपके पास पहले से क्या है इनमें से कोई डेटाबेस है, ठीक है, तो आपका वी सेंटर सर्वर क्या कर लेगा, इन डेटाबेस को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। अदरवाइज वी सेंटर सर्वर क्या करेगा, अपनी खुद की क्या करेगा, डेटाबेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो जो डेटाबेस जो क्रिएट करेगा उस डेटाबेस को बोला जाता है डिफॉल्ट डेटाबेस। ठीक है, और वो जो डेटाबेस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 R2 एक्सप्रेस। ठीक है, और जितने भी एक्सप्रेस एडिशन आते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड फीचर वाले होते हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 एक्सप्रेस एडिशन क्या है, फ्री अवेलेबल है। ठीक है, इसीलिए वीएमवेयर क्या करता है, इसीलिए VMware वी सेंटर के साथ इसे क्या देता है, इनबिल्ट देता है। ठीक है, बंडल्ड विथ वी सेंटर सर्वर, मतलब कि ये वी सेंटर के साथ आएगी, आपको अलग से इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यूज फॉर प्रोडक्ट इवोल्यूशन एंड डेमो, आप इसका यूज इवोल्यूशन के लिए या फिर डेमोस के लिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल डिप्लॉयमेंट अप टू 5 होस्ट एंड 50 वर्चुअल मशीन, आप इसको छोटे डिप्लॉयमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 50 वर्चुअल में 5 होस्ट है और या 50 वर्चुअल मशीन है, तब तक आप किसको कर सकते हैं, आप इस डिफॉल्ट डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिफोर बिगनिंग द वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन मेक श्योर दैट द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट आर मेट। ठीक है, क्या क्या प्री रिक्विजिट है वो हम देखते हैं। इंश्योर दैट वी सेंटर सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर मीट। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो वी सेंटर सर्वर है वो आपका जो सर्वर है वो वी सेंटर सर्वर की क्या कर रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो चेक करना चाहिए, इंश्योर दैट द वी सेंटर सर्वर सिस्टम बिलोंग्स टू अ डोमेन रादर देन वर्क ग्रुप। आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो वी सेंटर सर्वर है वो काय के अंदर होना चाहिए, वो डोमेन का पार्ट होना चाहिए ना कि वर्क ग्रुप का। ठीक है, अब बात ये आती है कि डोमेन का आपके वी सेंटर सर्वर को डोमेन में ऐड कराने से फायदा क्या है। ठीक है, एक्चुअली फायदा ये है कि आपकी जो डोमेन के अंदर है वो क्या है, पहले से क्या है, यूजर बने हुए हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी में, पहले से क्या है, यूजर बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको वी सेंटर के अंदर फिर से यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप एक आपके एनवायरमेंट में क्या है, 500 मशीनें हैं। ठीक है, 500 में से 50 मशीनें का एक ही है सेल्स की है। ठीक है, तो आप क्या दे सकते हैं, उन 50 मशीनों का एक्सेस किसे दे सकते हैं, सेल्स एडमिन को दे सकते हैं। 150 मशीनें आपकी एचआर की है। ठीक है, तो आप 150 मशीनों का एक्सेस किसको दे सकते हैं, आपके एचआर एडमिन को। इसी प्रकार से मार्केटिंग की 200 मशीनें, तो आप 200 मशीनों को किसको दे सकते हैं एक्सेस, आपकी मार्केटिंग एडमिन को दे सकते हैं। ठीक है, और 100 मशीनें आईटी की, तो आप उन 100 मशीनों को एक्सेस किसको दे सकते हैं,
आपके आईटी एडमिन को, ठीक है। इस प्रकार से रोल बेस एक्सेस आप किसके अंदर देख सकते हैं, वी सेंटर के अंदर आप रोल बेस एक्सेस क्या कर सकते हैं, यूजर्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वी सेंटर सर्वर को आपको, वी सेंटर सर्वर अगर आप डोमेन में ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर से वी सेंटर के अंदर यूजर ऐड नहीं करना पड़ेंगे, क्रिएट नहीं करना पड़ेंगे। आप क्या करेंगे, जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर है उन्हीं को एक्सपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, उन्हीं को इंपोर्ट करके क्या कर सकते हैं, आप उनको परमिशन असाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ वी सेंटर सर्वर डेटाबेस अनलेस यू आर यूजिंग डिफॉल्ट डेटाबेस, ठीक है। और वी सेंटर सर्वर के लिए क्या करें, डेटाबेस क्रिएट करें अगर आप डिफॉल्ट डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। ऑप्टेन एंड असाइन स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड होस्ट नेम टू द वी सेंटर सर्वर सिस्टम, ठीक है। कि आपके वी सेंटर सर्वर को क्या करें, आईपी एड्रेस असाइन करें और उसको होस्ट नेम भी क्या करें, असाइन करें, ठीक है। वी सेंटर शुड नॉट बी पार्ट बी अ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। मतलब कि आपका जो वी सेंटर सर्वर है वो क्या नहीं होना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डाउनलोडिंग वी सेंटर सर्वर, ठीक है। कि आप वी सेंटर सर्वर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करूं तो आपका ASXI का क्या है, फ्री वर्जन अवेलेबल है, ठीक है, जो कि क्या आपके 60 डेज तक क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। उसी प्रकार से वी सेंटर सर्वर का भी क्या फ्री वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। 60 डेज इवोल्यूशन एट www.vmware.com/try-vmware, ठीक है। आप इस लिंक से क्या कर सकते हैं, आपका फ्री एडिशन, वी सेंटर का फ्री एडिशन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री वर्जन, ठीक है, जो कि आपके 60 डेज तक क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। और विथ रजिस्टर्ड लाइसेंस जस्ट डाउनलोड द ISO फ्रॉम www.vmware.com/download। और अगर आपने वी सेंटर सर्वर खरीद रखा है उसका लाइसेंस, ठीक है, तो आप उसकी ISO कहां से डाउन कर, इस लिंक से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल एज एन ISO एंड ZIP, आपका जो वी सेंटर सर्वर है वो ISO फाइल और ZIP दोनों में क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी सेंटर सर्वर को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कहां चलते हैं, हमारी VMware वर्क स्टेशन पे चलते हैं, ठीक है। वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मशीन ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि क्या है, मैं सर्वर 2008 R2 की मशीन है, ठीक है। इस मशीन के ऊपर मैंने बात करूं तो इस मशीन के ऊपर मैंने 2 GB रैम दे रखी है, ठीक है, ठीक है। 2 CPU दे रखे हैं, 2 प्रोसेसर असाइन कर रखे, मतलब कि एक प्रोसेसर तो एक ही है लेकिन उसको कितनी दे रखी है, 2 कोर दे रखी है। और हार्ड डिस्क जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, मैंने 40 GB की हार्ड डिस्क दे रखी है, ठीक है। आपके वैसे तो वी सेंटर को डलने की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वी सेंटर की वो 4 GB है, बट हमारा काम 2 GB में भी हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही मैंने इस मशीन को क्या कर दिया है, आपका डोमेन का मेंबर बना दिया है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये किसका, आपके india.com डोमेन का क्या बन चुकी है, मेंबर सर्वर है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने DNS के अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या कर दिए, सभी आपके ESXi की, वी सेंटर की और वी स्फीयर क्लाइंट, इन सब की क्या कर दी, एंट्री कर दी है। और साथ ही एक मैंने एक रिवर्स लुकअप जोन भी क्रिएट किया है, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने इन सब की PTR रिकॉर्ड्स क्या कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वी सेंटर सर्वर पर, ठीक है। अब वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे हम जो कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर वी सेंटर की DVD को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, हम ISO फाइल यूज कर रहे हैं तो मैं ब्राउज करता हूँ, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, वी सेंटर सर्वर की, जो कि ये है मेरी विम सेटअप आल 5.0, इसको क्या कर देता हूँ, इस ISO फाइल को क्या कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ओके पे, ठीक है। अब मैं कहाँ जाता हूँ, स्टार्ट पे जाता हूँ, स्टार्ट पे माई कंप्यूटर, ठीक है, और ये मेरा सीडी का आइकॉन है, ठीक है, सीडी ड्राइव है, ठीक है। जैसे मैं अपनी सीडी ड्राइव पे क्लिक करूंगा, DVD ड्राइव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, वैसे ही मेरे सामने क्या आ जाएगी, वी सेंटर सर्वर की प्री इंस्टॉलेशन स्पेस आ जाएगी, ठीक है।
आप वी सेंटर की डीवीडी से क्या कर सकते हैं, आप वी सेंटर की डीवीडी से आप वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही वी स्फीयर क्लाइंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वेब क्लाइंट आप डाल सकते हैं, अपडेट मैनेजर क्या कर सकते हैं आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपने को जो इंस्टॉल करना है वो क्या करना है, वी सेंटर सर्वर, इसलिए मैं कहाँ जाता हूँ, वी सेंटर सर्वर पे जाता हूँ। ठीक है, वी सेंटर को इंस्टॉल करने के लिए आपकी प्रीरिक्विजिट क्या क्या है, ठीक है, कि आपके इसके अंदर क्या होना चाहिए, .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए या फिर, और साथ ही विंडोज इंस्टॉलर 4.5 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं किस पे क्लिक करता हूँ, वी सेंटर पे, इंस्टॉल पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, वो इंग्लिश, जैसे मैं इसकी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा वैसे मेरे सामने क्या आ जाएगी, वी सेंटर आप किस लैंग्वेज में सिलेक्ट कर इंस्टॉल करना चाहते हो, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमें जो इंस्टॉल करना है वो किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है, इंग्लिश में इंस्टॉल करना है, इसलिए हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हुए क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा जो विंडोज वो क्या, जो वी सेंटर का जो इंस्टॉलेशन है वो क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि वी सेंटर को इंस्टॉल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, .NET फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, .NET फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, बट हमारे सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका वी सेंटर सर्वर क्या कर रहा है, पहले .NET फ्रेमवर्क को क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो फीचर है सर्वर 2008 में .NET फ्रेमवर्क का, उसको क्या कर देगा, ये इनेबल कर देगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो वी सेंटर बना हुआ पूरे किसके अंदर बना हुआ, पूरा ही .NET के अंदर डिजाइंड है। ठीक है, इसलिए वो सबसे पहले क्या कर रहा है, .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल हुआ उसके बाद क्या आ गई, ये मुझे वेलकम स्क्रीन आ गई है वी सेंटर की। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, वो एंड यूजर पेटेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट को मैं क्या करता हूँ, आई एग्री सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब वो मुझे कस्टमर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जो कि अपने कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं डाल देता हूँ कि मेरा यूजर का नाम है इंडिया और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडिया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और अगर आपका आपके पास अगर लाइसेंस कीज है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइसेंस कीज में क्या कर सकते हैं, लाइसेंस की को क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई लाइसेंस की नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 60 डेज इवोल्यूशन वर्जन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब अगली जो स्क्रीन आ रही है वो है आपकी डेटाबेस ऑप्शंस की। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस सपोर्टेड डेटाबेस आपके नेटवर्क में है, जैसे कि ओरेकल, SQL या फिर IBM की DB2, ठीक है, ये डेटाबेस अगर आपके नेटवर्क के अंदर किसी डेटाबेस सर्वर के ऊपर रन हो रही है, ठीक है, और अगर आप वो उसे, ठीक है, तो आप क्या करिए, यूज एन एग्जिस्टिंग सपोर्ट डेटाबेस को सिलेक्ट करिए। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, आपकी उस डेटाबेस को क्या कर लेगा, लोकेट कर लेगा, और वो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगी, यहाँ पे दिख जाएगी, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यदि आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, ठीक है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, इंस्टॉल अ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2008 एक्सप्रेस एडिशन का, एक्सप्रेस इंस्टेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसी को जो बोला जाता है, इसी को डिफॉल्ट डेटाबेस बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल डिप्लॉयमेंट के लिए क्या है आपका काम, आप अगर आपका स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मॉल छोटा एनवायरमेंट है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे आप, डिफॉल्ट डेटाबेस का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर चेक मार्क रखते हैं और क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, वी सेंटर सर्विस, वी सेंटर सर्वर सर्विसेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है,
हम क्या करना चाहते हैं, यूज सिस्टम अकाउंट, इसी अकाउंट का यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसी इसको चेक मार्क लगा के क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आप डेस्टिनेशन फोल्डर कि आपका वी सेंटर सर्वर कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल होगा, वो पूछ रहा है। लोकेशन डिफॉल्ट लोकेशन क्या है, सी प्रोग्राम फाइल्स वीएमवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी वी सेंटर के अंदर क्या होती है, दो सर्विसेज होती है। ठीक है, एक तो वी सेंटर की सर्वर सर्विसेज, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी इन्वेंट्री सर्विसेज। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब कि आपकी स्टॉक रखने वाली बात, कि आपके वी सेंटर के अंदर कितनी कितने होस्ट हैं, कितने वीएम्स चल रही है। ठीक है, किस मशीन पे डीए, किस वीएम पे आपके डीए एचए अवेलेबल है, किस पे आपका डीआरएस इनेबल है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं के अंदर रखी जाती है, इन्वेंट्री में। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों किस एक ही लोकेशन पे क्या होती है, इंस्टॉल होती है। ठीक है, अगर आप इनको अलग अलग फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको एक ही फोल्डर के अंदर एक ही लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या पे सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपकी जो अगली जो स्क्रीन आ रही है, अब आपकी अगली जो स्क्रीन आ रही है इंस्टॉलेशन में, वो है आपकी वी सेंटर सर्वर लिंक्ड मोड। ठीक है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्रिएट अ स्टैंड अलोन वी एम वेयर वी सेंटर सर्वर इंस्टेंस और ज्वाइन अ वी एम वेयर वी सेंटर सर्वर ग्रुप यूजिंग लिंक मोड टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका लिंक मोड होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फोटो देखते हैं। ठीक है, आपका जो एक वी सेंटर सर्वर है वो कितने, आपका एक वी सेंटर सर्वर 1000 होस्ट को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 1000 होस्ट है इंडिया में। ठीक है, उसको एक वी सेंटर, ये वाला वी सेंटर सर्वर क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, और आपके पास क्या है, ऐसा ही एक और 1000 होस्ट कहाँ पे है, यूएस में। ठीक है, उसको आपका ये वाला वी सेंटर सर्वर क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो जब आपको इंडिया वाली 1000 होस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो आपको और आप क्या एडमिनिस्ट्रेटर है, और आपको क्या करना है, इंडिया वाले 1000 होस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वी सेंटर पे लॉगिन लेंगे। ठीक है, और जब आपको यूएस वाले 10000 होस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, 1000 होस्ट को मैनेज करना है। ठीक है, तो आप किस पे लॉगिन करेंगे, इस वी सेंटर के ऊपर लॉगिन करेंगे। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास ऐसे मल्टीपल वी सेंटर है। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, बहुत टिपिकल होगा। ठीक है, आपको अलग अलग वी सेंटर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए वी सेंटर के अंदर क्या आया, एक नया फीचर आया। ठीक है, जो कि है आपका लिंक्ड मोड। ठीक है, लिंक मोड में आप क्या कर सकते हैं, आपके मल्टीपल वी सेंटर सर्वर को क्या कर सकते हैं, आपस में लिंक करके ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जिससे फायदा ये होगा कि जब भी आप किसी एक वी सेंटर पर लॉगिन लेंगे, ठीक है, तो उसी की स्क्रीन में, उसी वी सेंटर सर्वर में आपको जितने भी आपके दूसरे वी सेंटर है, जो कि आपके लिंक ग्रुप के मेंबर हैं, जो कि आपके लिंक ग्रुप में है, ठीक है, वो लिंक मोड में, ठीक है, वो सभी भी आपको कहाँ दिख जाएंगे, वहीं पे दिख जाएंगे। ठीक है, और आप उन्हीं को आप मल्टीपल वी सेंटर को क्या कर सकते हैं, उसी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फोटो बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा एक वी सेंटर है। ठीक है, इसी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, इसी विंडो में क्या हो जाएगा, मुझे दूसरा वी सेंटर भी दिख जाएगा। ठीक है, जब मुझे इस वी सेंटर को मैनेज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जब इस वी सेंटर को मैनेज करना है तो मैं किसको सिलेक्ट कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, लिंक मोड के अंदर फायदा मिलेगा। ठीक है, बट अभी तो हमारे पास मल्टीपल वी सेंटर सर्वर नहीं है, हमारा क्या है, केवल सिंगल वी सेंटर सर्वर है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ स्टैंड अलोन वीएमवेयर वी सेंटर सर्वर इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं और कहीं पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये कुछ पोर्ट है, कुछ डिफॉल्ट पोर्ट है, जो कि क्या आपके वी सेंटर के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका HTTP का पोर्ट है 443, HTTPS का पोर्ट है 443, HTTP का पोर्ट है 90। ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट पोर्ट है, ठीक है, वो कौन सा आपका 902। ठीक है, वी सेंटर का आपका वेब सर्विसेज HTTP पोर्ट कौन सा है,
8080, ठीक है। आपका वेब HTTPS पोर्ट कौन सा है? 8443। वेब सर्विसेज चेंजेस, चेंज सर्विसेज नोटिफिकेशन पोर्ट ये कौन सा है? 6009। LDAP का पोर्ट कौन सा है? 389। SSL का कौन सा है? 636, ठीक है। जब तक आपको जरूरत ना हो, ठीक है, इन पोर्ट को क्या रखें? डिफॉल्ट रखें, ठीक है। अभी हम क्या रखते हैं, इन पोर्ट की सेटिंग को डिफॉल्ट रखते हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आपकी इन्वेंटरी सर्विसेज के लिए जो HTTP पोर्ट है वो कौन सा है? 10443, ठीक है। इन्वेंटरी सर्विसेज के लिए सर्विस मैनेजमेंट पोर्ट कौन सा है? 10109। और आपका जो इन्वेंटरी सर्विसेज का जो है लिंक मोड कम्युनिकेशन किस पोर्ट पे होता है? 10111 के अंदर ऊपर होता है, ठीक है। हम इसको भी क्या रखते हैं, डिफॉल्ट रखते हैं और क्या पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है JVM मेमोरी की साइज, जावा वर्चुअल मशीन मेमोरी की साइज कितनी होना चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आप देख, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपका एनवायरमेंट कितना है, अगर आपके एनवायरमेंट में 100 होस्ट या 1000 वर्चुअल मशीन है तो उसके लिए आपकी मेमोरी साइज कितनी होनी चाहिए? JVM मेमोरी की साइज 1024, ठीक है। मीडियम साइज का है, मतलब कि 100 से 400 होस्ट है, ठीक है, और आपके 1000 से 4000 वर्चुअल मशीन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 2048 MB आपकी JVM मेमोरी की साइज होनी चाहिए। और लार्ज है, ठीक है, 400 से ज्यादा है, फिर 4000 वर्चुअल मशीन से ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी वर्चुअल मेमोरी की साइज होना चाहिए 3072 MB, ठीक है। अभी हमारा क्या है, स्मॉल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इस सेटिंग को क्या कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपका एनवायरनमेंट छोटा है, बाद में आपकी कंपनी ने ग्रो किया और आपके एनवायरनमेंट में क्या हो गई है, होस्ट और वर्चुअल मशीनें बढ़ गई है, ठीक है, तो आप बाद में भी क्या कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम स्मॉल पे क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं, ठीक है। क्लिक इंस्टॉल, बिगिन द इंस्टॉलर इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और सिलेक्ट, एक और सेटिंग मिलेगी जो कि आपका सिलेक्ट दिस ऑप्शन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेमरल पोर्ट्स अवेलेबल इफ योर वी सेंटर सर्वर मैनेज होस्ट ऑन विच यू विल पावर ऑन मोर देन 2000 वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब कि अगर आपका वी सेंटर सर्वर एसी होस्ट को मैनेज करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जिस होस्ट पे क्या होती है, एक साथ आपकी 2000 या 2000 से अधिक मशीनें क्या होती है, एक साथ पावर ऑन होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेटिंग को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग को क्या करिए, सिलेक्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर आप इस सेटिंग को सिलेक्ट करते हैं तो इस तो उससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। एक्चुअली जब भी आपकी कोई वीएम वर्चुअल मशीन स्टार्ट होती है तो उसको स्टार्ट होने के लिए कई सारे क्या होती है, पोर्ट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उन पोर्ट्स को जो बोला जाता है, उन पोर्ट्स को बोला जाता है आपका इफेमरल पोर्ट्स, ठीक है। तो आपकी जब आप यहाँ पे चेक मार्क कर दोगे तो आपके वी सेंटर सर्वर में इफेमरल पोर्ट की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा इतना बड़ा एनवायरनमेंट है ही नहीं कि हम क्या 2000 वर्चुअल मशीनों को मैनेज करेंगे, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सेटिंग को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हम किस पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और आपका वी सेंटर का इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, ये आपका डेटा SQL 2008 एक्सप्रेस एडिशन डालेगा, आपका डेटाबेस क्रिएट करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेगा, आपका वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, पॉज करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका वी सेंटर सर्वर क्या हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है, और साथ में क्या कर देते हैं, हम हमारे वी सेंटर सर्वर को क्या कर देते हैं, एक बार रिबूट भी कर लेते हैं, रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा वी सेंटर सर्वर क्या होगा, रिस्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम हमारे वापस से स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं,
हमने देखा था विथ सेंटर, प्री इंस्टॉलेशन स्प्लैश के बारे में हमने देखा था, ठीक है। साथ ही हमने स्टैंड अलोन इंस्टेंसेस और लिंक मोड के बारे में भी क्या करी थी, हमने बात करी थी, ठीक है। अगर विदाउट लिंक मोड क्या करना पड़ेगा आपको, हर वी सेंटर को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कनेक्ट करके मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बट लिंक मोड में आप क्या कर पाएंगे, लिंक मोड में आप आपके जितने भी वी स्फीयर, लिंक मोड में आपके जितने भी वी स्फीयर वी सेंटर सर्वर है, आप उनको क्या कर सकते हैं, एक साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन विजार्ड के बारे में बात करें तो द वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन विजार्ड आस्क फॉर द फॉलोइंग डेटा, किस किस चीजों के बारे में पूछता है, यूजर नेम और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूजर नेम और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसने पूछा था, लाइसेंस की के बारे में पूछा था उसने, तो इवेल्यूशन और वैलिड लाइसेंस की आप यूज कर सकते हैं। डेटाबेस इंफॉर्मेशन उसने पूछा था, जो कि आपकी डिफॉल्ट डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस हो सकती है, ठीक है। सिस्टम अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बारे में उसने पूछा था, यूजर फॉर रनिंग वी सेंटर सर्वर सर्विसेस सर्विस, ठीक है। डेस्टिनेशन फोल्डर के बारे में पूछा था, सॉफ्टवेयर लोकेशन की आपका वी सेंटर सर्वर कहाँ का इंस्टॉल होगा, कहाँ इंस्टॉल होगा, ठीक है। स्टैंड अलोन और ज्वाइन अ लिंक्ड मोड ग्रुप के बारे में उसने पूछा था, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में उसने पूछा था कि आपके जो डिफॉल्ट पोर्ट थे, ठीक है। जेवीएम मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। और साथ ही क्या ऑप्शन आया था, इफनबल पोर्ट का भी उसमें ऑप्शन आया था, सिलेक्ट इफ वी सेंटर सर्वर विल मैनेज होस्ट देट पावर ऑन मोर देन 2000 वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ वी सेंटर सर्वर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग वी सेंटर सर्वर अप्लायंस, यू कैन इंस्टॉल वी सेंटर सर्वर ऑन विंडोज सिस्टम। आफ्टर वी सेंटर सर्वर इज इंस्टॉल, अ नंबर ऑफ सर्विसेज स्टार्ट अपॉन रीबूट एंड कैन बी मैनेज फ्रॉम विंडोज कंट्रोल पैनल। मतलब कि आपका वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या मिलेगी, कई सारी सर्विसेज क्या मिल जाएगी आपको, आपकी सर्विसेज विंडोज की सर्विसेज .msc में क्या मिल जाएगी आपको, ये सर्विसेज मिल जाएगी, ठीक है। इसमें से कुछ सर्विसेज तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप सिस्टम को रिबूट करेंगे, ठीक है। और कुछ सर्विस जो होगी, जैसे आप ये एक देख सकते हैं, ये क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब एक और लास्ट चीज हम देख लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में, कि हमारा मैनेजमेंट कैसे रहेगा, ठीक है। हम वी सेंटर सर्वर से किसको, वी स्फीयर क्लाइंट से कैसे किसको कनेक्ट करते हैं, ई एस एक्स आई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम वी सेंटर सर्वर वी स्फीयर क्लाइंट से ई एस एक्स आई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम जिस यूजर नेम, हम किसके थ्रू लॉग इन लेंगे उस पर, हम रूट और पासवर्ड के थ्रू क्या करेंगे, जो ई एस एक्स आई का जो यूजर है रूट और उसका जो पासवर्ड है उसके थ्रू क्या करेंगे, लॉग इन लेंगे, ठीक है। बट जब हम वी सेंटर वी स्फीयर क्लाइंट से आपके वी सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर फिर हमें लॉग इन लेने के लिए हम वी सेंटर सर्वर जिस विंडो जिस मशीन पे डला हुआ है उसके यूजर नेम और पासवर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और जब हम वी सेंटर सर्वर में किसी होस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम होस्ट को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, उसके होस्ट की रूट, उसका जो यूजर है रूट और उसके पासवर्ड को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द